प्रदेश में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जयपुर के सी स्कीम स्थित बगड़िया भवन के पास फेमस श्यामजू सेंटर पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान टीम को गंदगी और भारी अनियमितताएं मिली। जूस बनाने वाले फलों पर फफूंद लगी हुई थी और जिस जगह पर जूस बनाया जा रहा था वहां भी गंदगी का ढेर लगा हुआ था। डीप फ्रिज के अंदर चारों तरफ गंदगी और फफूंद जमी हुई थी। मौके पर टीम ने कटे और साबुत फलों को नष्ट करवाया क्योंकि इन फलों का उपयोग दुकान संचालक जूस बनाने में करने वाला था। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि इस जूस सेंटर पर काफी अनियमितताएं हैं। इन शिकायतों को देखते हुए हमने दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2-3 डीप फ्रिज में बहुत कालिक और फफूंद जमी थी। इन फ्रिज में फल और दूसरी वस्तुएं जो जूस शेक बनाने में उपयोग ली जाती है उनमें काफी बदबू आ रही थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है और जब शाम जूस सेंटर जो बगड़िया भवन पे है, जयपुर का एक फेमस जूस वाला, इसके लगभग जयपुर का कोई आदमी बचा ही नहीं होगा जो जूस नहीं पीता होगा। लोग आते हैं कारों से ऑर्डर करते हैं, जूस पीते हैं, परंतु जब अंदर जाकर के हमने देखा तो बहुत ही गंभीर स्थितियां थी। करोड़ों अरबों की संख्या में कीटाणु थे, बैक्टीरिया थे, वायरस भी होंगे और जो सबसे खतरनाक जो फंगस होती है वो फंगस वहाँ फ्रिज में और जूस बनाने वाली चीज़ों पे, पानी के पात्रों पे, उस पर थी। जहाँ पात्र रखे हुए थे वो टेबलें जंग खा करके टूट चुकी हैं, पन्नियाँ बिखरी पड़ी है, उनको उठाया तो छोटे छोटे कीड़े इधर उधर दौड़ने लगे। जिनमें वो जूस पैक करता है उन थैलियों पर भयानक फंगस लगी हुई है। अब वो जब वो दिन भर जूस बनाता है तो उस फंगस और गंदगी से, उन बैक्टीरिया से उसके हाथ टच होते हैं, वो सारा जूस में जाता है। जबकि गंभीर बात ये भी है कि जो लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वहाँ जा करके जूस पीते हैं, परमात्मा की सेवा में रहते हैं, उनके लिए भी अगर कोई एक व्यापारी ऐसा कर रहा है तो बड़ा गंभीर है। उसके गोदाम पर गए तो गोदाम पर और भी गंभीर हालात थे। बहुत पहले से फ्रूट्स काट काट करके बहुत ही गंदे जो डीप फ्रीजर थे उनमें रखे हुए, कब से वो काट के रखे हुए हैं पता नहीं, कोई मार्किंग नहीं है, डीप फ्रीजर टूटे हुए हैं, उन पर आधा आधा इंच जो सबसे खतरनाक फंगस लगी हुई है, बदबू आ रही है। कोई एक ठीक सा आदमी आधा मिनट भी उसके अंदर दुकान में खड़ा हो सकता है, ना उसके गोदाम में खड़ा हो सकता है। वही खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि दुकान के बाहर डिस्प्ले में लगाए फलों की जांच की तो वो भी खराब मिले। बताया जा रहा है कि यह जूस सेंटर बहुत महंगा है और इसके बाद भी यह लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में आम जनता को ज्यादा पैसे देने के बाद भी मीठा जहर ही पीने को दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों की सेहत की भी चिंता नहीं है। नोटिस दिया देंगे, कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे, आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा उसने जो फ्रूट्स रखने का गोदाम बनाया हुआ है वो भी सी स्कीम का जो बड़ा गंदा नाला है उसके किनारे है, वहाँ पे भी बहुत भारी गंदगी है। दुकान में गंदगी है, दुकान के बाहर है, उसका जो गंदा फलों का सड़ा गला मलबा है, कूड़ा करकट है, कचरा है, वो भी उसने दुकान में रखा हुआ है, दुकान के बाहर है, खड़ा होना मुश्किल है। उसकी बदबू से आसपास का पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसका जो भी सारा सड़े हुए गंदे फल हैं तो वो फेंकवाने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जो भी हमारी फूड सेफ्टी एक्ट में धाराएं हो सकती है उसमें हम नोटिस देंगे और कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट हो, नहीं तो उसका फूड लाइसेंस भी सस्पेंड करना होगा। तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे, न्यायालय में उसका प्रकरण भेजेंगे, स्ट्रॉन्ग पैरवी करेंगे कि उसे सजा मिले, सैंपल्स ले जाएंगे, सारे काम करेंगे।